वही हमारे धर्म है, वही हमारे कर्म है, वही हमारे जीवन है, वही हमारे मोक्ष है, वही हमारे जीवन के मार्ग है। सबके हृदय में गो भक्ति भाव में, गो चेतना हाथ में, गो सेवा, हम सब तन मन धन से गो माता के लिए, गोवंश के लिए और भारत में पूर्ण रूप से गो माता सुरक्षित रहे, गोवंश सुरक्षित रहे, गोवंश ऊपर किसी प्रकार बाधा संकट या दुख के हेतु न आवे, इसीलिए हम हमारे जीवन को चिंता चेतना को इसी भाव से भावित करें, हम बदलें, हमारे परिवार बदलें, समाज के सोच विचार बदलें, शासन करने वाले जो सत्ता पर हैं उनका सोच विचार भी गोमाता के लिए संवेदनपूर्ण और राष्ट्र क्यों सृष्टि के हित पर, गोहित ही सृष्टि के हित है, इसी विचार से हमारे शासन तंत्र अपने नीति निर्धारण करें। भगवान को प्रार्थना करते हैं, गो माता को प्रार्थना करते हैं कि गो माता की आंखों से आंसू न आवे, और क्या बोले, सबका मंगल हो, सबका मंगल संभव है जब गो माता की मंगल के लिए हम काम करें। जय गो माता, जय गोपाल। श्री गौ माता की जय। व्यासपीठ पूजन के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी अग्रवाल एवं परम पूज्य गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और व्यासपीठ का पूजन संपादित करावें। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः।
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो मातः पयस्विनी पुनः पुनरेव नत्वा याचे तवाङ्घ्रिविनतिं शरणं भवत्याः दिव्यातिगोप्यचरितं भणितं श्रुतौ यत् सर्वं त्वदीयममलं हृदि मे तनोतु भगवत्यै श्रीसुरभ्यै नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमः भगवते व्यासाय नमः बोलिए गौ माता की जय। आज इस वेद लक्षणा गो महिमा सत्संग सत्र के द्वितीय दिवस के शुभ अवसर पर आप हम सब लोगों ने जगतगुरु मध्वाचार्य जो उडुपी पैजावर श्री कृष्ण मठ से पधारे पूज्य महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त किया, परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त किया, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के युगल चरणों में प्रार्थना पूर्वक निवेदन कि आज द्वितीय दिवस के वेद लक्षणा गो महिमा सत्संग क्रम में हम सब लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। जय गो माता जय गोपाल। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोद्युतिञ्च एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं
सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूतभव्यस्य मातरम्। पंचगावः समुत्पन्नाः मध्यमाने महो दधौ तासां मध्ये तुया नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्नने। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सुरभ्यै नमः 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 श्री बहुलायै नमः श्री समंगायै नमः श्री अकुतो भयायै नमो नमः श्री बहुलायै नमः श्री समंगायै नमः श्री अकुतो भयायै नमो नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री भूयसी देव्यै नमो नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री भूयसी देव्यै नमो नमः श्री देव्यै नमो नमः श्री भू
श्रेयसी देव्यै नमो नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै 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 नमः। श्री रामाय 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 नमः। श्री सीतायै 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 नमः। श्री कृष्णाय 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 नमः। राधिकायै 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 नमः। श्री यमुनायै 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 नमः। श्री सुरभ्यै 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 नमः। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौमाता की जय। अखिल गोवंश की जय। अंतर्राष्ट्रीय गो कृपा महोत्सव की जय। श्री गो नवरात्रि महामहोत्सव की जय। श्री धर्म मंडप की जय। हम लोग सामने धर्म मंडप का दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सामने कल धर्म मंडप का दर्शन खुला था। आर्ष ग्रंथ गर्ग संहिता में धर्म मंडप का वर्णन श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया है। धर्म के पांच स्तंभ बताए हैं और इस धर्म मंडप का दर्शन करने वाले को के आजन्मकृत संपूर्ण पाप दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। इन धर्म मंडप में पूर्व का स्तंभ है धर्म मंडप का श्री जगन्नाथ भगवान,
बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। पश्चिम में धर्म मंडप का स्तंभ है श्री द्वारिकाधीश भगवान, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। उत्तर में धर्म मंडप का स्तंभ है श्री बद्रीनाथ भगवान, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। और दक्षिण में धर्म मंडप का स्तंभ है श्री रंगनाथ भगवान, श्री रंगनाथ भगवान की जय। और ये चार चार दिशाओं में स्तंभ है, और मध्य में जो धर्म मंडप का मुख्य स्तंभ है, गर्ग संहिता में लिखा है ब्रजभूमि में गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्री श्रीनाथ जी, श्री गोपाल जी, वो धर्म मंडप का प्रमुख स्तंभ है। वर्तमान में जो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में विराज रहे हैं। श्रीनाथ जी महाराज की जय। तो लिखा है कि जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म मंडप का दर्शन कर लेता है, इन पांच जगह जाकर दर्शन कर लेता है, उसे पुनः किसी माता का स्तनपान नहीं करना पड़ता, किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, मुक्त हो जाता है, ऐसा लिखा है। और एक विशेष बात लिखी है गर्ग संहिता में, मान लो कथनचित श्री जगन्नाथ, श्री द्वारिकानाथ, श्री रंगनाथ और श्री बद्रीनाथ का दर्शन न भी हो सके, केवल श्रीनाथ जी का दर्शन गिरिराज पर्वत पर विराजमान, श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले तो धर्म मंडप दर्शन पूर्ण हो जाता है। और चारों जगह दर्शन करे किंतु श्रीनाथ जी का दर्शन न करे तो धर्म मंडप दर्शन पूर्ण नहीं होता। ये भाव गर्ग संहिता के मूल पारायण के समय हमारे मन में आया, तो उस भाव को सद्या साकार रूप में परिणित कर दिया हमारे अत्यंत प्रिय स्नेह भाजन आदरणीय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी ने उस ग्रंथ के भाव को प्रकट रूप में परिणित कर दिया। हम लोग धर्म मंडप में ही बैठे हैं और यहाँ जो धर्म मंडप का दर्शन हो रहा है, इसका एक वैशिष्ट्य और है कि धर्म मंडप में जो मध्य में श्रीनाथ जी हैं, उन श्रीनाथ जी के सन्मुख पूज्या गो माता विराजमान है, समृद्धि माता विराजमान है। इसका मतलब है कि श्रीनाथ जी का भी मूल आधार श्री गोमाता ही है। गाय के बिना श्रीनाथ जी संभव नहीं है। श्री धर्म मंडप की जय, श्री गोनवरात्रि महामहोत्सव की जय, श्री सुरभि शक्ति पीठ की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, जगद्गुरु श्रीमन मध्वाचार्य महाप्रभु की जय, पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि एवं उनकी आराध्या सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता एवं उनके संपूर्ण वंश के चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर इस सभा को अलंकृत करते हुए विराजमान
श्री मन्मध्वाचार्य पीठ के जगतगुरु आचार्य चरण को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्हें भगवान ने अपने शुभ संकल्प से इस काल में सब जीवों के अंतकरण में गो महिमा और गो भक्ति, गो उपासना, गो सेवा की भावना को प्रतिष्ठित करने के लिए ही भेजा है, ऐसे हम सबके प्रेरक मार्गदर्शक पूज्य पथमेड़ा महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं एवं उनके अत्यंत निकट विराजमान परमहंस श्री स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज जो श्री जगन्नाथपुरी से पधारे हैं और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की और श्री परमहंस जी महाराज की परस्पर की प्रीति शिवस्य हृदयम् विष्णुः, विष्णोस्य हृदयम् शिवः के समान परस्पर दोनों की अत्यंत प्रीति है और दीर्घकाल से मौन रहने के कारण आपकी वाणी में इतना माधुर्य और इतनी ओजस्विता आ गई है कि वे सूत्रात्मक रूप में जो कुछ भी बोलते हैं उसका श्रवण करने मात्र से रोमांच हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। आज कितनी अच्छी बात परमहंस जी महाराज ने हम सब लोगों को कही, हम लोग गाते चले आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। पर महाराज जी ने वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए इतनी बढ़िया बात कह दी, मुख में हो राम नाम, गौ सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, श्री कृष्ण तेरे साथ में, गोविंद तेरे साथ में, श्री जगन्नाथ तेरे साथ में। वस्तुतः वर्तमान काल में गो उपासना में लगे हुए जो भाग्यशाली जीव हैं उन्हें केवल और केवल आश्रय है, सहारा है तो सर्वसमर्थ भगवान का ही सहारा है। जहाँ कहीं कुछ कठिनाई है, न्यूनता है, वह भगवदाश्रय की कमी के कारण। और एकदम सत्य बात है, भयंकर कोरोना काल गया और अभी भी एक बहुत भयंकर बीमारी का समय गया है जिससे सभी गोभक्त बहुत अधिक व्यथित हुए। इस काल में गो उपासकों को, गो भक्तों को, गो सेवकों को भगवान के आश्रय को छोड़कर दूसरा क्या आश्रय था। पूरे विश्व में मनुष्यों की चिंता करने वाले लोग हुए लेकिन गोविंद के अतिरिक्त गोवंश की चिंता और किसने की। इस भयंकर कोरोना के काल में भी महाराज जी कहीं से ये बात सुनने में नहीं आई कि अमुक गौशाला की गाय बिना चारे के रहेगी, जबकि कोई सरकारी योजना ऐसी नहीं थी कि जिससे पूरे राष्ट्र में इस भयंकर राष्ट्रीय वैश्विक आपदा, राष्ट्रीय आपदा नहीं वैश्विक आपदा के काल में उदारता पूर्वक शासकों ने गोवंश की सेवा के लिए कोई सुदृढ़ कदम उठाया हो, ऐसी कोई बात आई ही नहीं। लेकिन हमारे श्री गोविंद कमजोर थोड़े ही हैं, सर्व समर्थ हैं, उस भयंकर काल में भी भगवान ने गो सेवा की प्रेरणा दे करके, गो सेवा की व्यवस्था करा के गो भक्तों को यह विश्वास दिलाया है कि चाहे जैसा काल आ जाए और चाहे जैसा शासक आ जाए, गाय और गो भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने श्रीमद् भागवत दसम स्कंद पूर्वार्ध में जो भगवान ने प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा हम सबका संबल है।
वर्तमान समय में लोग एक प्रश्न करते हैं कि आप इतनी गौ की महिमा गाते हैं, सुनाते हैं, शास्त्रों में लिखी है, ऐसा आप कहते हैं, और भगवान गायों के रक्षक हैं, गोपाल हैं, गो रक्षक हैं, गो सेवक हैं, अब फिर गाय की ऐसी स्थिति भगवान नहीं देख रहे हैं क्या? कहाँ गए भगवान? ऐसी बात बहुधा लोग कह दिया करते हैं, लेकिन दास का अत्यंत विनम्र भाव से उनको उत्तर है, निवेदन है। भगवान ने द्वापर काल में, कृष्णावतार काल में श्री गोवर्धन पर्वत उठा करके गोवंश की रक्षा की। आज भी भगवान रक्षा करने के लिए तैयार है और कर ही रहे हैं। बस बात इतनी सी है, जैसे आर्त हृदय से गोप गोपियों ने, ब्रजवासियों ने गोरक्षा की प्रार्थना भगवान से की, इस प्रकार की रक्षा की प्रार्थना आर्त भाव से, हृदय से हम सब लोग करें तो निश्चित भगवान आज भी प्रकट होकर के गोवंश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। गोरक्षा का गोवर्धन उठाने के लिए, गोरक्षा का, गो सेवा का गोवर्धन उठाने के लिए आज भी भगवान प्रस्तुत हैं, भगवान कहीं गए नहीं। महाराज जी, उस प्रकरण में एक विशेष बात ध्यान देने की यह है कि इंद्र के कोप से जब प्रलयकालीन दृश्य जैसा उपस्थित हुआ और यह अनुभव हो गया ब्रजवासियों को, यह अनुमान हो गया, प्रत्यक्षानुमान हो गया कि अब हमारा अस्तित्व बचने वाला नहीं है। पहले ब्रजवासियों ने गोवंश को बचाने की पूरी शक्ति लगाई, जब उनकी शक्ति काम नहीं की, उन्हें समझ में आ गया कि हमारे पुरुषार्थ से, हमारी शक्ति से काम चलने वाला नहीं है, तब उन्होंने भगवान को पुकारा। अब भगवान को पुकारने में एक विशेष बात है कि उन्होंने पूरा प्रकरण, श्रीमद् भागवत जी का व्यास जी पूरा प्रकरण उठा करके देख लो, इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो, ये ब्रजवासियों ने नहीं कहा। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हे प्रभो, इस गोकुल के, गोकुल माने गो समूह के, इस गो समूह के एकमात्र स्वामी आप ही हैं, इसलिए आप हमारे गोवंश की रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए नहीं, हमारी पत्नी पुत्रादि की, धनादि की रक्षा कीजिए नहीं, हमारे गृह कुटुंब की रक्षा कीजिए नहीं, हमारे व्रज की रक्षा कीजिए नहीं। हम भले ही नष्ट हो जाएं, पर हमारी गाय नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे ब्रजवासी जानते थे ये तो गावस ततो वयम, यदि गाय है तो ही हमारा अस्तित्व है, यदि गाय नहीं है तो हमारा भी अस्तित्व नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता है कि भगवान ने हमें जो भी सामर्थ्य दी है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों में अथवा अंतर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार में, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में भगवान ने जो सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य का विनियोग हम गो सेवा के पवित्र यज्ञ में करें। क्या ईमानदारी से हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि भगवान ने जो सामर्थ्य हमें प्रदान की थी, ईमानदारी से उसका एक अंश भी हम ठीक से गो सेवा में समर्पित कर पाए हैं? क्या यह बात अपने आप से हम पूछ सकते हैं? यदि ईमानदारी से अपने आप से बात पूछी जाए
तो निराशा ही हाथ लगेगी। यदि हमने भगवत प्रदत्त सामर्थ्य का उत्तमोत्तम विनियोग गो सेवा और गो पोषण के कार्य में किया होता तो आज जो धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गोवंश की दुर्दशा हो रही है ये दुर्दशा दिखाई नहीं पड़ती। गाय अनाश्रित घूमती हुई नहीं दिखाई पड़ती, गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ती, गाय सड़क पर राजमार्गों पर घायल पड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ती, और भारत जैसे पवित्र देश में गाय बधशालाओं में नहीं जाती। भारत जैसा पवित्र देश गोमांस का विक्रय नहीं करता, लेकिन हमने भगवान के द्वारा दी गई सामर्थ्य को गो सेवा में नहीं लगाया है। पहले तो हम ये करें, इसके बाद उससे काम न बने तो भगवान को फिर विशेष रूप में पुकारें, तो आज भी भगवान तैयार है, क्योंकि भगवान की घोषणा है, भगवान की प्रतिज्ञा है। तस्मान मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। भगवान कह रहे हैं ब्रजवासियों, गोपाल को तुम निर्भय और निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि गो रक्षा करने का जो हमारा व्रत है, हमारी जो प्रतिज्ञा है, उसको परिपूर्ण करने का समय आ गया है। मच्छरणम गोष्ठम, ये जो गोष्ठ है वह मेरे ही शरण है। शरण माने शरणम ग्रह रक्षित्रो, अर्थात इस गोवंश का रक्षक मैं ही हूं, इस गोवंश का आश्रयदाता। आश्रयदाता को ही घर कहते हैं, जिसमें हम जिसका आश्रय लेकर हम लोग निवास करते हैं सुखपूर्वक। इस गोवंश का घर मैं ही हूं, इस गोवंश का रक्षक मैं ही हूं। और दूसरा भाव महाराज जी कि मैं शरण्य हूं, शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, किंतु मैंने भी जिसे अपनी शरण्या के रूप में स्वीकार किया है वह गोमाता है। मैं ही इसका एकमात्र स्वामी हूं, पर मेरी यदि कोई स्वामिनी है तो यज्ञेश्वरी जगत जननी गोमाता है। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन है, इसलिए मैं अपने अचिंत्य अनंत अखंड ऐश्वर्य से इस गोवंश की रक्षा करूंगा, क्योंकि गोवंश की रक्षा करने का गोवंश की रक्षा करने की जो प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करने का समय आ गया है। और भगवान ने गोवर्धन धारण किया। हमारे वृंदावन में एक बात प्रसिद्ध है, हमारे श्री ब्रजबंधु दास जी भी खूब बढ़िया से इस बात को जानते होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र के गृह में श्री शची माता की दक्षिण कुक्षी से गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, ऐसा
हम सब मानते हैं। तो हमारे वृंदावन में ये बात प्रसिद्ध है कि ठाकुर जी से पूछा गया कि पूर्व काल में आप ब्रज में मुरली मनोहर श्री कृष्ण थे, यदुवंश विभूषण से अथवा श्री नंद बाबा के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध थे, तो यह जन्म पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में कैसे हो गया? तो कहते ठाकुर जी ने कहा कि हमने कृष्णावतार में जो ब्रज में गो सेवा की, उस गो सेवा के पुण्य से हमारा दूसरा जन्म विप्रकुल में हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी, ऐसी प्रसिद्धि हमारे ब्रज में। पहले क्षत्रिय कुल में अवतार और फिर विप्र कुल में अवतार। तो विप्र कुल में अवतरण का हेतु क्या है? तो कहते उन्होंने कहा कि हमने जो गो सेवा की है, गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गो रक्षा की है, इससे गो माता ने एक अवसर हमें और दिया है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस गो नवरात्रि महोत्सव में इतने दिव्य महापुरुषों का दर्शन पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के अनुग्रह से, पूज्या गो माता की कृपा से, हम सब लोगों को एक स्थान पर बैठ करके भारतवर्ष की विशिष्टतम विभूतियों का दर्शन हो रहा है। हम अपने को बड़ा भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि उडुपी की पवित्र परंपरा के आचार्य पूज्य स्वामी जी जगतगुरु जी, उनका मंगलमय दर्शन हम कर पा रहे हैं। हम अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं। कल हमने जो चर्चा की थी, कल की कथा में हमने चर्चा की थी कि भगवान की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर की सृष्टि है, क्योंकि वह विवेक विचार प्रधान है और उसमें मुमुक्षा उत्पन्न हो सकती है, और इतर शरीर जो हैं वे केवल कर्मफल भोग के लिए प्राप्त हुए हैं, उनमें मुमुक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए भगवान की सृष्टि में मनुष्य देह सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी मनुष्य के आकार में दिखने वाले सब मनुष्य नहीं होते, जिनमें मनुष्यता होती है उन्हें मनुष्य कहा जाता है। श्री मनु जी की भाषा को जो बोलते हैं या समझते हैं या जानते हैं, मनु जी के सिद्धांतों को, विचारों को जो अपना जीवन बना लेते हैं, वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तो मनुष्यत्व दुर्लभ है, मुमुक्षुत्व दुर्लभ है, और महदाश्रय प्राप्त हो जाना यह भी अत्यंत दुर्लभ है। महत्पुरुषों का आश्रय भी दुर्लभ है। मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा को कहा गया, भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्यों में मूर्धाभिषिक्त राजा मेरी विभूति है, नराणाम च नराधिपम। राजाओं में भी वर्तमान के केवल वोट हासिल करके सत्तारूढ़ होने वाले नहीं, शास्त्रीय पद्धति से जिनका मूर्धाभिषेक हुआ हो, ऐसे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट अब कहाँ हैं? हाँ हैं, कहाँ हैं? महाभारत में है, अष्टादश पुराणों में है, इतिहास के रूप में है, प्रत्यक्ष रूप में उनका कोई उदाहरण नहीं है। मूर्धाभिषिक्त राजा को भगवान का स्वरूप माना गया, इसलिए
बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के यहाँ भी चक्रवर्ती सम्राट पहुंचे हैं, तो उन ब्रह्मर्षियों ने अपने आश्रम के द्वार पर उपस्थित होकर के अर्घपाद्य आदि के द्वारा राजा का स्वागत किया। इस प्रकार के इतिहास हमारे पुराणों में वर्णित है। राजा का आदर भगवान का आदर है, और राजा का जीवन कितना मूल्यवान होता है, राजा का जीवन कितना कीमती होता है, वर्तमान समय में ही देख लो, जो जितना विशिष्ट है उसकी सुरक्षा भी उतनी अधिक विशिष्ट है। और कितनी विलक्षण बात है कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, सप्त समुद्रवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, इक्ष्वाकु वंश का एक महान राजर्षि दिलीप, जो पुत्र की कामना से ही नंदिनी की सेवा में प्रवृत्त है, अपने गुरु महाराज की होम धेनु की सेवा में अपने आप को जिसने अपनी पत्नी के सहित प्रस्तुत कर दिया है, वह राजर्षि दिलीप जो संतति की कामना से ही गो उपासना में प्रवृत्त है, और अभी कामना की पूर्ति तो हुई ही नहीं, और युवावस्था में वह अपने आप को सिंह के सामने प्रस्तुत कर देता है कि हे वनराज, यदि ऐसी ही मर्यादा सुनिश्चित हुई है कि इस वन में जो भी प्रवेश कर जाएगा वह तुम्हारा आहार होगा, तो मैंने भी इस वन में प्रवेश किया है, मेरे गुरुदेव की गाय को छोड़ दो और मुझे तुम अपना ग्रास बना लो। सिंह ने कहा, तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, तुम राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, युवा हो, और पुत्र की कामना से इस अनुष्ठान में लगे हुए थे, तुम अपना जीवन नष्ट करना चाहते हो, तुम बुद्धिमान प्रतीत नहीं होते हो। लेकिन राजर्षि दिलीप ने कहा, हे वनराज, आप भगवती के सेवक हैं, आप भगवती के वाहन हैं, आप इस बात को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, यह जो शरीर हमें मिला है ये कभी न कभी नष्ट हो जाने वाला है, किंतु जब गोरक्षा में हम अपने प्राण देंगे तो जो हमें यशक्काय मिलेगा वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए इस विनाशी देह के मोह को त्याग कर मैं वह यशक्काय प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरा भक्षण करो, क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट के देह से, उसके जीवन से भी अधिक मूल्यवान एक गाय का जीवन है। राजा के देह से भी अधिक मूल्यवान एक गाय का जीवन है। लेकिन हमारा इतिहास कहता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट के जीवन से भी अधिक मूल्यवान एक गाय का जीवन है। कल एक बात और हमने निवेदन की थी, कल विस्तार से किया, तो केवल स्मरण मात्र कर रहे हैं। कि दिलीप की साधना बड़े निर्विघ्न रूप से चल रही थी, पर उस साधना में विक्षेप कैसे आ गया? सिंह ने गाय पर आक्रमण किया, दबोच लिया, तो ये स्थिति आई क्यों? तो वहां रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास जी ने एक बहुत सुंदर संकेत किया है, यद्यपि उस संकेत की ओर दृष्टि कम लोगों की जाती है, फिर भी हम लोगों को ध्यान देना है। ये चूक इसलिए हुई कि सेव्य से दृष्टि हटी,
अब तक पूरी दृष्टि दिलीप की नंदिनी गाय पर थी और अब उनकी दृष्टि हिमालय का सौंदर्य देखने में लग गई। अब उनकी दृष्टि बड़े बड़े जो देवदारू के वृक्ष थे उनकी शोभा को देखने में लग गई और यही एक छिद्र आ गया सेवा में, यही एक दोष आ गया और इस दोष का अवसर देख करके और उस सिंह को परीक्षा लेने का अवसर उपस्थित हो गया। इससे हमें ये बात अपने मन में समझनी है कि हम जिसकी भी सेवा करें वहां संपूर्ण दृष्टि वहीं लगा करके करें। कई बार ऐसा होता है कि गो सेवा को के लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं और वही किनारे हो जाती है और कार्य मुख्य हो जाते हैं। ये अपराध हमसे न बने। अंगी गो सेवा ही बनी रहे और अंग रूप में और कार्य हो, शिक्षा का कार्य, चिकित्सा का कार्य, जनसेवा का कार्य, प्रकृति पर्यावरण की सेवा का कार्य, ये सब गाय के अंग ही हैं। अंगी गाय की सेवा है, गौ सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। गाय पर हमारी संपूर्ण दृष्टि बनी रहनी चाहिए। अब एक जो विशेष बात है वो ये है, चक्रवर्ती सम्राट से भी मूल्यवान कोई है क्या भगवान की सृष्टि में? मनुष्यों में राजा, राजाओं में चक्रवर्ती राजा, और चक्रवर्ती राजाओं के देह से भी श्रेष्ठ कोई है क्या? भगवान ने स्वयं कहा है कि पंचभूतों की अपेक्षा पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न होने वाले उद्भिज वृक्षादि श्रेष्ठ हैं, उनकी अपेक्षा जो सरीसृप आदि हैं, रेंगने वाले जीव जंतु हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनकी अपेक्षा उड़ने वाले जीव जंतु श्रेष्ठ हैं, फिर चतुष्पाद पशु श्रेष्ठ हैं, और फिर प्रमथगण, फिर उनमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों से प्रमथगण, फिर प्रमथ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, इनको क्रमशः एक से एक बढ़कर एक को श्रेष्ठ कहा गया और इन सब में श्रेष्ठ देवता हैं। देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है, इंद्रादि लोकपालों से श्रेष्ठ प्रजापति हैं, प्रजापतियों में श्रेष्ठ भगवान महादेव शिव हैं और सृष्टि के क्रम में वे शिवजी ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं। इसलिए प्रजापतियों में श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ देवाधिदेव महादेव हैं और वे ब्रह्मा जी जिनके भ्रूमध्य से शिव जी का आविर्भाव हुआ है, वो ब्रह्मा जी भगवान के नाभिकमल से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा उन ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी मूल कारण मैं हूं। किंतु यदि कोई मुझसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं भागवत के पंचम स्कंध में, समत परोहम द्विजदेव देवः। यदि कोई मुझसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो मैं कहूंगा मुझसे श्रेष्ठ ये पूज्य ब्राह्मण देवता, ये मुझसे श्रेष्ठ है। भगवान की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा, राजाओं में श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा, और उससे भी श्रेष्ठ एक ब्राह्मण का देह। भगवान कह रहे न ब्राह्मण ही स्तुले भूतमन्यत पश्यामि विप्राः किमत परंतु यस्मिन्नृभिः प्रोतः श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। मैं ब्राह्मण देह की तुलना अपनी सृष्टि में किसी देह से नहीं कर सकता। यहां तक भगवान कहते छिंद्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम, इन ब्राह्मणों के विरुद्ध व्यवहार मेरी भुजा करे तो मैं भुजा को अपने से पृथक कर दूंगा, किंतु ब्राह्मण का तिरस्कार सहन नहीं कर सकता। उन ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ कोई ब्रह्मर्षि हो, गर्ग, गौतम, च्यवन, वशिष्ठ की कोटि का कोई हो, तो तब तो कहना ही क्या है।
कल हमने महाभारत का एक प्रसंग कहा था कि उन ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मर्षि भृगु के साक्षात पुत्र महर्षि च्यवन, और महर्षि च्यवन ने कहा, राजर्षि नहुष, तुमने मेरे मूल्य से अधिक मूल्य इन मछुआरों को दे दिया, क्योंकि एक ब्रह्मर्षि का जीवन भी एक गाय के समान मूल्यवान नहीं है, गाय एक ब्रह्मर्षि से भी अधिक मूल्यवान है। इसका मतलब है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में गाय से बढ़कर और कोई तत्व न भूतो न भविष्यति। ये गाय की सर्वोपरि महिमा भगवान व्यास की वाणी से सिद्ध है। महाभारत के आदि पर्व का एक वाक्य आस्तिक धर्म प्राण सनातनियों के लिए बहुत उपादेय है। महाभारत की कथा जब हुई थी उस समय हमने उसको विशेष रूप में स्मरण किया था, आज तो केवल स्मरण मात्र करा रहे हैं। महाभारत के आदि पर्व में जहां ग्रंथ का आरंभ हुआ है महाभारत का, वहां एक प्रश्न उठाया गया कि इस विशाल ग्रंथ का लेखन किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हो रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, इतना बड़ा पोथन्ना लिख करके। वर्तमान समय तो ऐसा आ गया कि पुस्तक पढ़ने की, ग्रंथ पढ़ने की रुचि ही धीरे धीरे समाप्त हो गई। हमारे वृंदावन में सबसे व्यवस्थित पुस्तकालय आश्रमों में, यदि सबसे व्यवस्थित किसी का पुस्तकालय है तो वो परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा स्थापित आनंद वृंदावन का उनका पुस्तकालय सबसे विशाल और सबसे व्यवस्थित पुस्तकालय। वहां के स्वामी जी से कुछ समय पहले हमने पूछा, जो संत वहां पुस्तकालय संभालते हैं, उन्होंने कहा, महाराज जी पहले तो हम लोग दिन भर बैठते थे और लोग जिज्ञासु आते थे, पुस्तक मांगते थे, वहाँ देखते थे, पढ़ते थे, कुछ नोट करके ले जाते थे। अब कहते अब तो बंद, एक प्रकार से बंद ही रहता है, कोई आने जाने वाला नहीं, ना आश्रम में किसी को पढ़ने की फुर्सत है, ना बाहर से किसी जिज्ञासु को ये अवकाश, जिज्ञासा ही नहीं है। वर्तमान समय में सब कुछ उपलब्ध है पर जिज्ञासु उपलब्ध नहीं है। सब चीज सुलभ है, जिज्ञासु दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, क्योंकि इतने प्रपंची हो गए हैं हम लोग, और एक ऐसा उपकरण कलयुग महाराज ने सबके हाथ में पहुंचा दिया है, उसको फोन कहते हैं, मोबाइल फोन, उसने सब चौपट कर दिया, सब नष्ट कर दिया। महाराज ब्राह्मणों के अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहे मोबाइल के कारण। अभी एक जगह हम गए थे महाराज जी, स्वामी जी हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आरती स्तुति मंत्र सब मोबाइल से ही शुरू, पहली बार देखा। मेरी एक जगह प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो वो ब्राह्मण जो थे वो तो केवल सरगम बोल रहे थे, जैसे संगीत वाले सरगम बोलते हैं ना, ऐसे वो तो सरगम ही गा रहे थे, बाकी तुरंत उन्होंने मोबाइल कनेक्ट किया और वो साउंड चालू हो गया, उसी में मंत्र, उसी में आरती, उसी में पूजा सब शुरू हो गया। आप ये अनुमान नहीं कर सकते कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये स्थिति हो गई, एकदम पराश्रित हो गया व्यक्ति, तब जिज्ञासा का समय नहीं है। क्या कह रहे थे हम, हमको याद दिलाना है। हाँ, तो अब किसी के मन में ये जिज्ञासा ही नहीं रही
लेकिन उस समय ये जिज्ञासा की गई कि आप, हम ये बात कह रहे थे, बात यहां से शुरू हुई कि आज पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं, और मेरी प्रार्थना है कम से कम वक्ताओं को, जो प्रवचन करता है उनको, मेरी प्रार्थना है कम से कम एक बार महाभारत का आद्योपांत पारायण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं पारायण करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा सनातन धर्म है क्या। भगवान व्यास का बहुत बड़ा उपकार है, महाभारत ग्रंथ का प्रसाद उन्होंने कृपा पूर्वक हम सबको प्रदान किया है, बड़ी कृपा है भगवान व्यास की। हम पूछते हैं कितने लोग मिलेंगे वक्ताओं में जिन्होंने पूरे महाभारत को पाठ का पाठ किया हो, दास ने तो एक आवृत्ति संपूर्ण की लेकिन हमको उससे अभी संतोष नहीं, हमको लगता बार बार आवृत्ति होनी चाहिए, बड़ा विशाल ग्रंथ है लेकिन अद्भुत है। तो आदि पर्व में भगवान व्यास जो बात कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात, भगवान व्यास कह रहे हैं कि आगे चलकर गौ और ब्राह्मण इनकी महिमा लोग विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाएंगे, और महिमा के विस्मरण के कारण गाय और ब्राह्मण दोनों की उपेक्षा आरंभ हो जाएगी। इस अपराध से मानव जाति को बचाने के लिए मैंने यह विराट उपक्रम किया है महाभारत ग्रंथ की रचना का। महाभारत ग्रंथ की रचना का प्रयोजन है गौ और ब्राह्मण की महिमा सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, ये महाभारत ग्रंथ के प्रणयन का प्रयोजन भगवान व्यास आदि पर्व में महाभारत में बता रहे हैं। और पद पद पर महाभारत में गो महिमा का कैसा वर्णन है, अद्भुत उसका वर्णन किया गया है। आज हम एक जो विशेष बात निवेदन करना चाहते हैं वो ये है श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अभी हमारे विवेचन से एक बात स्पष्ट थी कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, अब उसके आगे की बात, गाय तो सर्वोपरि यही है लेकिन उसके बाद, उसके आगे की बात हम विचार कर रहे हैं केवल। महाभारत में और आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में और आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, दोनों ग्रंथों में, दोनों ही इतिहास ग्रंथ हैं और दोनों में एक श्लोक एक जैसा ही है। वाल्मीकि रामायण में भी यही श्लोक है और महाभारत में भी यही श्लोक है, श्लोक भी एक ही है और प्रकरण भी एक ही है। वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य होमधेनु को लेकर कलह, उस प्रकरण का ही श्लोक है जिसमें महाराज विश्वामित्र कह रहे हैं दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सबसे श्रेष्ठ है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एकेन ब्रह्म दंडेन
मैंने कठोर तप करके दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया, लेकिन मेरे संपूर्ण दिव्यास्त्र श्री वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के निकट आकर शांत हो गए। एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे, एक ब्रह्मदंड से मेरे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। ब्रह्मबल ही श्रेष्ठ है, यही बात महाभारत में है, यही बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। ब्रह्मबल सबसे श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है ब्रह्मबल कि ब्रह्मबल के आगे भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसे भी पुराणों में प्रमाण है कि ब्रह्मबल के आगे भगवान को नतमस्तक होना पड़ा, घुटने टेकने पड़े भगवान को। और वह ब्रह्मबल भी नतमस्तक हो जाता है भागवत धर्म के समक्ष। वह ब्रह्मबल भी नतमस्तक हो जाता है भागवत धर्म के समक्ष। ब्रह्मबल में साक्षात ब्रह्मा जी के पौत्र महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र महर्षि दुर्वासा से श्रेष्ठ और कौन होगा? जो पुराणों के अनुसार शिवावतार कहे जाते हैं, वे दुर्वासा जी भी परम भागवत भक्त राज अम्बरीश जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए देखे जाते हैं। अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत, अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए दुर्वासा जी ने, और चरण ही नहीं पकड़े, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीयसे। भगवान अनंत के दासों की महिमा का आज हमें बोध हो गया कि हमारे जैसे अपराधी के अपराधों का चिंतन न करके मंगलानि समीयसे, मंगलम समीयसे नहीं, मंगलानि समीयसे। इसका तात्पर्य है, आपने हमारे मंगलों का अनुसंधान न किया होता तो भगवान के दैत अस्त्र सुदर्शन चक्र मुझे जलाकर भस्म कर देते। आपके शुभ संकल्प के कवच में ही मैं संरक्षित होकर अब तक बचा हुआ। और वे भागवत कितने श्रेष्ठ हैं, आहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहं नित्यम पूयेत्यंग्रिरे। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हैं, जो मननशील मुनि हैं, जो शांत हैं, जो निर्वैर हैं और जो समदर्शी हैं, ऐसे जो मेरे प्राण प्यारे भक्त हैं, मैं उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। आप क्यों पीछे चलते हैं? बोले, मैं इसलिए पीछे चलता हूं कि उन भक्तों की चरणरज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं भक्त चरणरज को प्राप्त करके पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। अरे भाई, जिनके चरण कमल से आविर्भूता भगवती त्रिपथ गामनी भगवती गंगा त्रिभुवन को पवित्र करती हैं, संपूर्ण जीव जगत को धन्याति धन्य बना रही हैं गंगा जी, उन भगवान में अपावनता कहां से आ गई? जिन भगवान का नाम
आचांडाल पर्यंत जगत को पवित्र कर देता है। अहो बतस्व पचोतो गरीयान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुष्टपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानु चुरनाम गृणन्त्येते। भले ही उनका जन्म स्वपच कुल में ही क्यों न हुआ हो, यदि उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नर्तन होता रहता है तो कोई तपस्या उनकी वकाया नहीं रही, सारी तपस्या होगी। तेपु तपा जुहुबुहु, यद्यपि वो यज्ञाधिकार वर्जित हैं लेकिन संपूर्ण यज्ञ सविधि संपादित करने का पुण्य लाभ उनको हो गया। सस्नु संपूर्ण तीर्थों में स्नान उनका हो गया, यद्यपि वे वेदाधिकार से वंचित हैं लेकिन यदि उनकी जिह्वा पर आपके पवित्र नाम का नर्तन हो रहा है, नाम उनके जिह्वा पर प्रतिष्ठित है तो ब्रह्मान ऊचुहु, उन्होंने संपूर्ण वेदों का सविधि पारायण कर लिया। किन्होंने नाम गृणंतिये थे, जो आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं। ऐसी महिमा है। तो जिनके नाम के उच्चारण मात्र से, जिनकी शरण ग्रहण करने मात्र से, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे। उन भगवान में अपावनता कहां से आ गई? हमारे यहां संतों के बड़े सुंदर सुंदर भाव, भगवान में अपावनता नहीं है। अपावनता का कोई हेतु भगवान में कथमपि कथंचिदपि संभव ही नहीं। और उनमें अपावनता आ जाएगी तो पावनता रह कहां जाएगी? फिर भगवान कहते मैं पवित्र होना चाहता हूं इसलिए संतों के पीछे पीछे चलता हूं क्योंकि उनकी चरणरज मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो पवित्र हो जाए इसका मतलब है कोई ना कोई अपावनता तो है, और भगवान में अपावनता है नहीं। तो ये बात, इसकी संगति ठीक बैठती नहीं है। किम नाम तावत अपावनत्वम, क्या है अपावनता? तो लगता है भगवान ने संत चरण रज प्राप्ति की कामना से अपावनता न होते हुए भी अपने में अपावनता का आरोप कर लिया। आरोप कैसे करेंगे? तो भगवान ने आरोप किया कि अपावनता क्या है? बोले अपराधत्वमेव अपराधत्वम एव अपावनत्वम, अपराधता, अपराध होना। अपराध क्या है? अपराध ही तो अपावनता है। अपराध क्या है? बहुत ध्यान से सुने। भगवान ने विचार किया कि इन भक्तों ने हमसे प्रेम करने में सब कुछ त्याग दिया। क्या क्या त्याग दिया? भगवान स्वयं परिगणन करा रहे हैं। ये दारा
दार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्त्यक्तु मुत्सहे। भगवान कहते हैं मैं उन शरणागत भक्तों का त्याग भला कैसे कर सकता हूं, क्योंकि उन भक्तों ने मुझसे प्रेम करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने पुत्र पौत्रादि को कुटुंब को त्याग दिया, नातेदार रिश्तेदारों को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, धन को त्याग दिया, इस लोक को त्याग दिया, परलोक को भी त्याग दिया, तो उन भक्तों से मैं प्रेम करूं या उन भक्तों का अपराध करने वाले से प्रेम करूं, उचित क्या है? भगवान ने पूछा। भगवान ने सोचा ये बड़े प्रेमी हैं संत, इन्होंने सब कुछ छोड़कर हमसे प्रेम किया, और हम इनसे प्रेम तो करते हैं पर ना हमने रुक्मिणी जी को त्यागा, ना हमने सत्यभामा जी को त्यागा, ना हमने राधा रानी को त्यागा, ना हमने लक्ष्मी जी को त्यागा, हमने तो किसी को त्यागा नहीं, हमने अपने भाई को भी नहीं त्यागा, हमें अपनी संतान को भी नहीं त्यागा, हमने अपने घर द्वारिका को भी नहीं त्यागा, तो हम भी प्रेम करते हैं पर हम कुछ छोड़ नहीं पाए, पर इन्होंने हमसे प्रेम करने में सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए ये बड़े प्रेमी हैं और ये उत्तम कोटि के प्रेमी हैं और हम वस्तुतः इनकी कोटि के प्रेमी तो नहीं है। यद्यपि भगवान ही सर्वोच्च कोटि के प्रेमी हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के अगाध समुद्र हैं, भला जीव में भगवान से प्रेम करने की सामर्थ्य ही कहाँ है। लेकिन भगवान सुकृतज्ञ उत्तमम, भगवान कृतज्ञ नहीं सुकृतज्ञ हैं, कोई थोड़ा भी प्रेम करता है तो भगवान कहते हैं कि हम तो इनके प्रेम के कर्जदार हैं, हम ऋणी हैं इनके प्रेम के। भगवान प्रेमियों को उत्तमरण कहते हैं, अपने को अधमरण कहते हैं। तो भगवान बोले हम प्रेम का निर्वाह ठीक कर नहीं पा रहे हैं, तो चलो अब भूल तो हो गई तो हो गई, तो उसका प्रायश्चित क्या है? बोले उसका प्रायश्चित यही है कि अनुब्रजाम्य हम नित्यं पूये ये त्यंग्री रेणुहि, मैं उन संतों के पीछे पीछे चलूं और उनकी चरणज मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं, यही उसका एकमात्र उपाय है। तो भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं, और अब बहुत ध्यान से सुने, भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं, और जब हम भगवान की ब्रजलीला का अनुसंधान करते हैं तो भगवान गोचारण करते हुए गायों के पीछे पीछे भी चलते हैं। संत चरण रज से भगवान अभिषेक कितना करते हैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण खोजने से कम उपलब्ध होगा, लेकिन गोवंश के पीछे पीछे चलकर गोवंश की जो खुर रज है उस रज को भगवान अपने श्रीअंग पर धारण करते हैं, ये बात तो अत्यंत स्पष्ट ही है। तो गायों की चरण रज को भगवान अपने श्रीअंग पर धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं? तो दास का विनम्र निवेदन है कि संतों के संपूर्ण लक्षण वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में घटित हैं। आप लोग अन्यथा न माने, हमारी वेशभूषा परंपरागत संत के जैसी है, हमारी परंपरा जैसी है उसके अनुरूप हमारी वेशभूषा है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हम अपनी परंपरा के अनुरूप वेशभूषा धारण करने वाले होने के बाद इस वेशभूषा के अनुरूप साधुता, साधुता के दिव्य गुण हमारे में हो, यह आवश्यक नहीं है। और आवश्यक ही नहीं, हम तो एकदम स्पष्ट बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं कि संतों की, गुरुजनों की, भगवान की अहेतु की कृपा से
केवल साधु के जैसा आकार ही मिला है हमें, वस्तुतः अभी साधुता हमारे जीवन में नहीं आई, साधुता की गंध भी हमारे जीवन में नहीं आई, क्योंकि संतों के जो लक्षण है, आहा क्या कहना। तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विवधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः त एते साधवः साध्वि सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वथते प्रार्थ्या संग दोष हराहिते। ये लक्षण हमको अपने में नहीं दिखाई पड़ते हैं। अभी जो श्लोक मैंने बोला है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये लक्षण भी हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। पर धन्य है पूज्या सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या गोमाता, उनमें संतों के समस्त लक्षण विद्यमान। संतों का लक्षण यदि कोई कहे कि एक पंक्ति में कहो तो क्या है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के शब्दों में, पर उपकार बचन मन काया, 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 संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। मनवाणी क्रिया से परोपकार परायणता, ये संत का स्वरूप है। हम मनवाणी क्रिया से परोपकार परायण अभी नहीं हो पाए, अभी अपने स्वार्थ की गंध हम में है। पर धन्य है पूज्या गोमाता, मनवाणी क्रिया से निरंतर परोपकार परायणा है, निरंतर परोपकार करती रहती है ऐसी पूज्या गोमाता, निरंतर परोपकार करती। अपने जीवन काल में तो परोपकार करती ही है, देह त्याग के बाद भी परोपकार करती है, इस लोक में हमारा उपकार गाय करती है, इतना ही नहीं परलोक में वैतरणी पार करके परलोक में भी हमारा परोपकार गाय करती है। गाय के जैसी परोपकार परायणता भगवान की सृष्टि में अन्य किसी प्राणी में नहीं है। आह क्या कहना। गाय निरपेक्ष है, निरपेक्षता की बातें तो बहुत से लोग करते हैं पर निरपेक्ष नहीं हो पाते हैं। किसी न किसी अंश में वे सापेक्ष बने रहते हैं, निरपेक्ष नहीं हो पाते।
जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सनेह बसहु निरंतर तासु उर सोराउर निजगे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा को कछु दे और कहाई भल यह बासना न उड़ते जाई। गोस्वामी जी कहते हैं कोई हमें कुछ दे और हमको लोग भला कहें कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी प्रशंसा करें, क्या करें प्रभु, सब कुछ कहते सुनते हुए भी ये वासना न उड़ते जाई, ये वासना हमारे हृदय से नहीं हट रही है। इसका आशय यही है कि निरपेक्षता कितनी कठिन है। कथनचित पुत्रेष्णा वित्तेष्णा का कोई त्याग कर भी दे पर यश की कामना का त्याग नहीं कर पाता है, कीर्ति की कामना का त्याग नहीं कर पाता है। पर गाय कितनी निरपेक्ष है, इसकी महिमा महाभारत में कही गई है। आज उसी प्रसंग को हम बोल रहे हैं, कितनी महिमा है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समुद्र मंथन से जब गौ माता प्रकट हुई, पंच गावः समुत्पन्नाः मत्स्यमाने महोदधौ, जब गायें प्रकट हुई तो गायों को अत्यंत पवित्र स्वीकार करके संपूर्ण देवी देवताओं ने, संपूर्ण तीर्थों ने गाय के पवित्र शरीर में निवास किया, सबने निवास किया। लक्ष्मी जी नहीं आए, लक्ष्मी जी ने निवास नहीं किया, लक्ष्मी जी नहीं आई और गंगा जी भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? जो बहुत बड़े होते ना उनमें कुछ ना कुछ अपने बड़प्पन का गुमान तो होता है, भाई हम क्यों आवे, लोग कहने वाले तो यहां तक कह देते तुम्हारी क्या चल, हम तो भगवान के यहां भी बिना बुलाए नहीं जाते हैं, भगवान के यहां भी बिना बुलाए नहीं जाते। पर वहां का बुलावा कैसे आएगा, फिर वहां कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये बात भी सबको पता है। ये नहीं कह सकते हो कि भी हम चाय का कप हाथ में लिए हैं, एक घूंट तो पी लेने दो तब चलेंगे, एक श्वास ली है अब श्वास छोड़ तो देने दो, ये भी प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। हुक्म हो गया कि चलना पड़ेगा, यहां कोई रह नहीं सकता। बड़े लोगों में अपने बड़प्पन की ठसक होती है, हम क्यों जाएं बिना बुलाए। गंगा जी बहुत बड़ी है, लक्ष्मी जी बहुत बड़ी, दोनों नहीं गए, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब समस्या ये थी कि बिना बुलाए संपूर्ण देवी देवता आकर गाय में प्रतिष्ठित हो गए, सारे तीर्थ आकर गाय में प्रतिष्ठित हो गए। अब जो नहीं जावे तो उसका अपने आप बहिष्कार हो गया, ध्यान में ही बात कि नहीं। आप पूरे समाज को छोड़ के आप बच गए तो इसका मतलब क्या है, आप अलग हो गए, तो आप चाहेंगे नहीं हम समाज में मिलके रहें। अब गंगा जी को हुआ, लक्ष्मी जी को हुआ कि नहीं, अब तो चलना पड़ेगा भाई बिना बुलाए भी। तो श्री लक्ष्मी जी पधारी, ये कथा महाभारत में है। ये महाभारत के अनुशासन पर में ये बड़ी सुंदर कथा आई है। श्री कृत्वेह बपुः कांतम गोमध्ये सुविवेशः गावोथ विस्मितास्तस्या दृष्ट्वा रूपस्य संपदम्
इच्छा मत्वाम वयं ज्ञातुं कात्वं क्वच गमिष्यसि लोककांतास्मि भद्रं वः श्रीर्नामाहं परिश्रुता मयाभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वती समाः इन्द्रो देवो इन्द्रो देवो विवस्वान् सोमश्च विष्णुरापो निरेव च। गोष्ठ में भगवती लक्ष्मी जी पधारी। लक्ष्मी जी की कांति देखकर, लक्ष्मी जी का सौंदर्य देखकर गायों को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। गायों ने पूछा कि हे भगवती देवी, आप कौन हैं? आप कहाँ जा रही हैं? आप किधर जा रही हैं और यहां हमारे पास कैसे आई है? लक्ष्मी जी ने अपना परिचय दिया। लक्ष्मी जी ने परिचय दिया, लोक कांतास्मि भद्रं वः। भद्रं वः, हे गो माता हो, आप सबका कल्याण हो, मैं लोक कांता हूं। लोक कांता माने सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे प्रेम न करे। लक्ष्मी से प्रेम सबका है। हम तो आश्चर्य करते हैं, छोटे बच्चे अभी पहचानते नहीं कि 100 रुपए का नोट है कि 500 रुपए का नोट है, वो पहचानते नहीं है। रुपया वो भी पकड़ लेते हैं, छोटे बच्चे, वो अभी भेद नहीं समझते रुपए का, इससे क्या होगा, खाने की वस्तु नहीं है ये भी वो समझते हैं, पर वो बच्चे भी रुपया को पकड़ लेते हैं मुट्ठी में। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के पास एक परिवार आया था। उसने कहा, महाराज जी, ये हमारा बच्चा है, ये पैसा नहीं छूता है। बहुत छोटा बच्चा था, 3-4 साल का होगा। बोले, हम लोगों ने इसके बेड में गद्दे के नीचे एक सिक्का रख दिया और इसको जब लिटाया तो चिल्लाने लग गया। बोले, इसके नीचे पैसा, इसको हटाओ। तो जहां सिक्का रखा था, गद्दे के नीचे था सिक्का, पर सिक्के जैसी जगह का एक छाला फफोला पड़ गया इस बच्चे की पीठ पर। ये छूता नहीं पैसा, 3-4 साल का बच्चा था, ये पैसा नहीं छूता और अन्न नहीं खाता है, ये केवल फल और दूध ही लेता है। वो परिवार मुंबई का था, गुजराती परिवार। महाराज जी ने उस बच्चे की तरफ देखा और कहा कि इससे एकांत में हम बात करेंगे। महाराज जी ने कहा, उसके माता पिता बाहर हो गए और छोटा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा बैठ गया भीतर। महाराज जी ने किवाड़ बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद बाहर आ गए, 5-7 मिनट बाद बाहर आए और महाराज जी ने कहा, भाग्यशाली हो, जीवन मुक्त महात्मा तुम्हारे घर में आया है, ज्यादा समय रहने वाला नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं कराना, ये बहुत बस तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारी सहस्रों पीढ़ियां तर जाएंगी, प्रेम से सेवा करो। इतना ही कहा और कुछ नहीं बोला। महाराज जी ने उसके साथ बातचीत की, जन्मांतरी बातचीत की। ऐसे संस्कारवान बहुत कम लोग होते जिनका धन के प्रति आकर्षण ना हो। वो नर नहीं है, वो नरोत्तम है। वो पुरुष नहीं है, वो पुरुषोत्तम है, जिनका धन के प्रति आकर्षण नहीं है वो पुरुषोत्तम है। स्त्री हो या पुरुष, धन के प्रति आकर्षण नहीं है वो पुरुषोत्तम है। भगवत रूप ही है वो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं लोक कांता हूं,
संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मुझसे प्रेम न करे, हमको सब चाहते हैं। पर मैं केवल नारायण को चाहती हूं, मैं किसी को नहीं चाहती। मुझे तो सब चाहते पर मैं केवल नारायण को चाहती हूं। मैं लोक कांता हूं, आप सबका कल्याण हो। और मेरा नाम है श्री लक्ष्मी, मुझे श्री भी कहते हैं। मेरी कृपा दृष्टि जब देवताओं पर पड़ जाती है तो देवता स्वर्ग में साम्राज्य के अधिकारी हो जाते हैं और खूब मस्त रहते हैं भोग विलास में। और जब मेरी दृष्टि देवताओं से फिर जाती है, असुरों पर मेरी कृपा भरी दृष्टि पड़ जाती है, तो देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ता है, दैत्य माला माल हो जाते हैं। लक्ष्मी जी की हमारी दोनों पर कृपा होती, कभी देवताओं पर कभी दैत्यों पर। जिस पर कृपा होती है वही धन्य हो जाता मेरी कृपा से। गोमाताओं ने कहा किस किस पर आपकी कृपा है? बोले इंद्र, सूर्य, चंद्र, विष्णु, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, इन सबके ऊपर मेरी कृपा है, इन सबके ऊपर मेरी कृपा है। मेरी कृपा से ही इनकी बहुत महिमा है। और हम वो कथा कहेंगे नहीं, हमने परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज के मुखारविंद से कथा सुनी है उड़ीसा प्रदेश की। आप सब लोगों को उड़ीसा के बहुत से लोग पुरी के आए हैं साधक, उनको ज्ञात ही होगी कि जगन्नाथपुरी में एक स्वपच के घर में लक्ष्मी जी पहुंच गई है ना कथा। तो स्वपच के घर में लक्ष्मी जी पहुंच गई, लक्ष्मी जी का व्रत का अवसर चल रहा था और सब सो रहे थे। उसके घर में गाय के गोबर से लिपा था, सब तुलसी का वृक्ष था। लक्ष्मी जी वहां चली गई और श्री बलभद्र महाप्रभु, जगन्नाथ महाप्रभु विचरते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा तो दाऊ दादा को बहुत खराब लगा कि बड़े घर की बहू यहाँ है, ये ठीक नहीं है, ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती की बात है। बड़ी दुखी हुए और उसमें फिर जगन्नाथ जी से लक्ष्मी जी की अनबन हो गई, लक्ष्मी जी चली गई, ऐसी कथा है ना। और उसके बाद जैसे ही लक्ष्मी जी श्री मंदिर से गई, अब तो महाराज भगवान के श्रीअंग पर न कोई आभूषण न पोशाक, ये सब पोशाक आभूषण सब लक्ष्मी जी की कृपा से, ये राग हो गई सब लक्ष्मी जी की कृपा से। लक्ष्मी जी गई तो पंडा पुजारी भी चले गए, आवक ना होवे तो पंडा पुजारी बिचारे क्या करेंगे देवता के पास, वो सब चले गए। जगन्नाथ जी और बलभद्र महाप्रभु बड़े दुखी हो गए। अब फिर कैसे कैसे लक्ष्मी जी को मना के लाए, ये सब कथा हमने परमन जी के मुखारविंद से सुनी थी। तो लक्ष्मी जी कहती मेरी कृपा की इतनी महिमा है, मैं कृपा दृष्टि फेर लूं, मंदिरों से भी लक्ष्मी जी की दृष्टि फिर जाती है। कभी किसी देव, कभी किसी मंदिर की प्रसिद्धि, कभी किसी मंदिर की प्रसिद्धि, कभी किसी की प्रसिद्धि। लक्ष्मी जी हैं, एक जगह रहती नहीं, घूमती रहती। लक्ष्मी जी ने कहा सब हमारी कृपा के अधिकारी हैं। और देखो इतने चमक रहे हैं जो देवता ना, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि, वो सब हमारी कृपा से चमक रहे हैं, लक्ष्मी जी ने कहा। पर देखो इच्छा में चाप युष्मासु वस्तुम सर्वासु नित्यदा, आप सब में मैं निरंतर निवास करना चाहती हूं, इसलिए आप अपने में मुझे स्थान दीजिए। आगत्य प्रार्थये युष्मान श्री जुष्टा भवताथ वही, आप हमें अंगीकार करें जिससे हे गो माताओ आप श्री संपन्ना हो जाएं। गाव ऊचू, गायों ने कहा, गायों ने क्या कहा, दो टूक शब्दों में गायों ने मना कर दिया। यह है गाय की निरपेक्षता। अध्रुवा चपला चत्वम सामान्या बहुविस्सह नत्वाम इच्छाम भद्रम ते
गम्यताम यत्र रंस्यसे। हे भगवती लक्ष्मी, एक तो आप अध्रुवा हो, एक जगह स्थिर रहती नहीं हो, कभी कहीं कभी कहीं, चंचल स्वभाव है तुम्हारा, और एक के पास नहीं तुम तो अनेकों के पास रहती हो। संसार में कितने बड़े बड़े धनाढ्य लोग पड़े हैं, एक से बढ़कर एक। इसलिए हे भगवती, आपका जहां मन हो, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप चली जाओ, हमें आपकी आवश्यकता नहीं। नत्वाम इच्छामि, हम तुम्हें नहीं चाहती हैं, तुमको जो चाहते हैं उनके पास तुम जाओ, हम तुमको नहीं चाहती हैं, जहां तुम्हारा मन करे वहां तुम चली जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, श्री रुवाच किमे तदवक्षमं गावो यन्मां नेहाभिनन्दत नमां संप्रतिग्रहणीध्वं कस्मात् वै दुर्लभां सतीं। लक्ष्मी जी ने कहा, रे गोमाताओं, गायो, आप हमारा अभिनंदन नहीं कर रही हैं, आप हमें अंगीकार नहीं कर रही हैं, मैं परम सती हूं, मैं नारायण के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाती हूं, और मैं सर्वथा दोष शून्य हूं, तुम हमारे मुझ निर्दोषा पर दोषारोपण करके मुझको मेरा तिरस्कार कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। और लक्ष्मी जी इतनी दुखी हो गई कि लक्ष्मी जी ने कहा, सत्यम च लोकवादोयम लोके चरति सुव्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो भवतीति विनिश्चयः। लक्ष्मी जी ने कहा कि संसार में एक कहावत प्रसिद्ध है कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए जहां जाते हैं वह निश्चित ही तिरस्कार होता है, अपमान होता है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आज ये कहावत हमारे लिए सत्य हो गई, हम बिना बुलाए आपके पास आ गए तो आप हमारा तिरस्कार कर रही हैं कि आप चली जाओ, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। ये ठीक नहीं है, हमारा तिरस्कार न करें। गोमाताओं ने जो बड़ी प्यारी बात कही, ध्यान देने योग्य है। गाव ऊचुहु, गायों ने कहा, अवश्यम नाव मन्यामहे देवी नत्वाम परिभवामहे अध्रुवा चलचित्तासि ततस्त्वाम वर्जयामहे। हे देवी, न तो हम तुम्हारा तिरस्कार कर रही हैं, ना ही हम आपका तिरस्कार कर रही हैं, ना ही आपकी हम निंदा कर रही हैं, हम तो केवल यह कह रही हैं कि आप एक अध्रुवा हो, कभी सदा सर्वदा एक जगह शाश्वत भाव से रहती नहीं हो, और आपके चित्त में बड़ी चंचलता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं घूमती रहती हो, इसलिए हमने हाथ जोड़ लिए कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं, हम तो रूखा सूखा तृण खाकर अपने पालक को अमृतमय दुग्ध प्रदान करती हैं, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, देवी आप हमें ठुकराओ नहीं, क्यों,
क्योंकि अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदा प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादक क्रियतां मम। यदि आपने हमें ठुकरा दिया तो मैं सब जगह से ठुकराई जाऊंगी। इससे एक बात सिद्ध हो गई, गाय जिसको स्वीकार करती है उसको सब स्वीकार करते हैं, और गाय जिसको तिरस्कृत कर देती है, ठुकरा देती है, उसको सब ठुकरा देते हैं। हम तो ये निवेदन कर रही हैं कि यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगी तो सब जगह मेरी निंदा होने लग जाएगी। हो सकता भगवान भी कहें जब गायों ने ही तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो तुमको हमारे पास भी रहने की आवश्यकता नहीं, मैं कहां जाऊंगी। इसलिए मैं सबके बीच में आदर की पात्रा बनी रहूं, एतावता आप हमें स्वीकार करें। आहा, धन्य है गाय, तो गाय हैं, बहुत उदार हैं गाय। गायों ने कहा, गाव ऊचुहु अवश्यम मानना कार्या तवस्माभिर यशस्विनी शक्रन मूत्रे निवसत त्वं पुण्यमेतद् दिनस्वे। गो माताओं ने कहा कि ठीक है, यदि आप हमारे में निवास चाहती ही हैं तो आप हमारे गोबर में निवास करें, और हे गंगा जी आप हमें निवास चाहती हैं तो आप हमारे मूत्र में निवास करें। गोबर में श्री लक्ष्मी जी का निवास है और मूत्र में भगवती गंगा का निवास है। बोलो गौ माता की जय। गोमये वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का निवास है। यह जो शास्त्र वचन है ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। लक्ष्मी का अर्थ है राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास वह गाय के गोबर में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि गोसु लक्ष्मी प्रतिष्ठिता, गाय में लक्ष्मी प्रतिष्ठित है, गाय के गोबर में लक्ष्मी प्रतिष्ठित है। देखो इस पृथ्वी का आहार क्या है, इस पृथ्वी का आहार है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के का गोबर और गोमूत्र, यही इस पृथ्वी का आहार है। यह पृथ्वी भी गो स्वरूप है, इसका आधिदैविक स्वरूप गाय का ही है और इसका आहार गोमय गोमूत्र ही है। धरती का आहार धरती को नहीं मिलेगा तो धरती से हम कहां तक दोहन करेंगे, क्या कितने समय तक दोहन करेंगे। अरे सामान्य सी बात है, आप अपने घर की गैया को खिलाओ पिलाओ नहीं, धार कब तक काटोगे। हमारे ब्रज में तो कहते हैं कि गाय के ऐन में दूध नहीं होता है, गाय की डाढ़ में दूध होता है। इसका मतलब गाय को जितना प्रेम से खिलाओ उतना अच्छा दूध गाय दे देगी। तो इस धरती का आहार गोमय गोमूत्र है, धरती से ही अन्न, धरती से ही जल, धरती से ही फल फूल, धरती से ही सब कुछ हमें प्राप्त होता है, सब कुछ धरती से प्राप्त होता है। और धरती सुरक्षित होती है गाय के गोबर से, गाय के गोबर से धरती सुरक्षित होती है। गोबर में लक्ष्मी का निवास है। हमारे ब्रज के महान गोभक्त संत पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज वरदान, गोमा ने गाय, गाय का वरदान है ये, राष्ट्र के लिए गाय का वरदान है गाय का गोबर। कल केंद्रीय मंत्री जी आए थे, वो भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि मलमूत्र शब्द ही अशुद्धि के पर्याय हैं, लेकिन गाय का गोबर और गाय का मूत्र मलमूत्र नहीं, ये मलमूत्र शोधक हैं, ये पावक हैं, ये पवित्र करने वाले, ये शोधक हैं,
केवल गाय का ही गोबर गोमूत्र ऐसा है जो अत्यंत पवित्र माना जाता है, अत्यंत सात्विक माना जाता है। आज सबसे दुखद बात यह है कि धरती भूखी है, धरती आहार शून्य है। हमारे इस देश में किसान को धरती पुत्र कहा जाता है, और धरती पुत्र ही नहीं, हम उनको अन्नदाता प्राणदाता मानते हैं। मानते हैं ऐसी बात नहीं है, ही वे अन्नदाता हैं अर्थात प्राणदाता हैं। किसानों के प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है और कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन हम एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, कोई पुत्र अपनी माता को विष दे तो विष देने वाला पुत्र क्या पुत्र कहलाने का अधिकारी है? और जो पुत्र अपनी माता को विष देगा क्या उस पुत्र को उसका दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा? अवश्य भोगना पड़ेगा। वर्तमान की स्थिति यह है कि धरती माता के आहार के नाम पर हम धरती माता के पुत्र होकर कृषक होकर धरती को जहर दे रहे हैं। रासायनिक खादों के रूप में, कीटनाशकों के रूप में हम धरती को विष दे रहे हैं, और उस धरती माता का शाप है, और उसी शाप का यह परिणाम है, दुष्परिणाम है, जो आज स्वतंत्र भारत में भी किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। क्यों? जो अन्नदाता है वो इतना विपदग्रस्त क्यों है, संकटग्रस्त क्यों है? क्योंकि हमने अपनी माता का अपराध किया है, हमने धरती माता गोमाता का अपराध किया है। उसका परिणाम आज हमारी आंखों के सामने उपस्थित है। उत्तराखंड देवभूमि है, ऋषि भूमि है। और निश्चित ही वहां के लोग बहुत, आज भी वहां के लोग देवताई है, बहुत सरल, बड़े सीधे, बड़े सज्जन, बड़े भावुक, बहुत अच्छे लोग। हम तो कहते हैं कि इधर के लोगों ने जाकर भले ही उनको कुछ चतुराई चालाकी सिखा दी हो तो पता नहीं, नहीं तो वहां के लोग तो वस्तुतः देवता ही होते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, उस उत्तराखंड के क्षेत्र में भी, देवभूमि में भी, और देवत्व की प्रतिष्ठा करने वाली गाय धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। आप हमारे साथ गए थे तो हमने रोड पर दिखाया। हम स्वयं अपनी बात बताते हैं, 20-25 वर्ष पहले तक उत्तराखंड क्षेत्र में संकर प्रजाति का कोई पशु होता कोई नहीं जानता था। कहां से पहुंच गई संकर नस्ल वहां? और वहां की मूल जो गाय है, बद्री नस्ल की गाय, वो गाय लुप्त तो हो गई वहां से। शुद्ध नस्ल की गाय खोजने से मुश्किल को मिलती है आज भी। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्दशा है, और उसका दुष्परिणाम हम सबके सामने आ रहा है और आने वाला है। इसलिए भारतीय मूल की जो गाय है उनको हमें बचाना चाहिए। दूसरी बात यह है, वर्तमान समय में एक आकर्षण है कि गिरी गाय बहुत दूध देती है, सब जगह गिरी पालन करो, और लोग आकर्षित होकर अन्य क्षेत्रों में भी गिरी गाय ले जा रहे हैं। हम उसका कोई विरोध तो नहीं करते, लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जो जिस क्षेत्र की मूल गाय है वहां की जलवायु के लिए उपयुक्त तो वही है, वहां के औषधीय चारा को चर के
और अत्यंत दिव्य औषधीय गुण से युक्त गव्य पदार्थ देने में सक्षम वही है, दूसरी गाय वहां सफल नहीं है। इसलिए जो जिस क्षेत्र की गाय हो उस क्षेत्र में उसी गाय का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए, उसकी नस्ल का संरक्षण भी होना चाहिए और उसकी नस्ल का संवर्धन भी होना चाहिए। धीरे धीरे ये स्थिति आ रही है। अब बड़े आकार वाली गाय वहां पहाड़ पे चर के गई है, चारा थोड़ी चर सकती, और छोटी छोटी गाय महाराज जहां मनुष्य नहीं पहुंच पाता वहां पहुंच जाती हो गए। और बहुत कम खर्च में गोपालन आज भी वहां हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक चारे से गाय अपनी पूर्ति कर लेती है, घर में आकर थोड़ा चारा देना पड़ता है। हाँ, शीतकाल में जब बहुत अधिक मौसम विपरीत होता है, शीतकाल होता है, उस काल के लिए 3-4 महीने के लिए कुछ चारा संग्रह करके रखना पड़ता, वो चारा भी वहां प्राकृतिक रूप से हो जाता है और पर्वतीय लोग उसको सुरक्षित कर लेते हैं और गाय का उससे बढ़िया से निर्वाह हो जाता है। हमारी बात को अतिशयोक्ति नहीं मानना, मैदान के क्षेत्र की गाय का एक पाव दूध, एक पाव घी, और हिमालय क्षेत्र की देशी गाय का, पर्वतीय गाय का, शुद्ध नस्ल की गाय का एक पाव दूध, एक पाव दूध में जो गुणवत्ता है वो मैदान के क्षेत्र की गाय के एक पाव घी से अधिक पौष्टिकता एक पाव दूध में है पर्वतीय गाय को। कितनी मिठास है, कितना स्वाद है, घी में कैसी सुगंध है। अब जो लोग, हमने तो उसका भगवत कृपा से प्रयोग किया है तो हम अनुभव करते हैं। अद्भुत है। इसलिए जो जिस क्षेत्र की नस्ल है उस क्षेत्र में उस नस्ल का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए, और नस्ल की सुरक्षा एक ही उपाय से संभव है, और वह उपाय है गो आधारित कृषि, गो कृषि। गो कृषि अन्न और गो दुग्धान्न, ये दो प्रकार से हम गाय का उपयोग करेंगे तो भारतीय नस्ल की गायें बच जाएंगी। पहले किसान को खाद खरीदना नहीं था, बीज भी खरीदना नहीं था, और डीजल पेट्रोल भी खरीदना नहीं था, ट्रैक्टर के लिए बछड़े ही सब काम करते थे, वृषभ ही काम करते थे, और श्रम अपने शरीर का ही है। इसलिए भयंकर मुगल काल में और अंग्रेजी शासन के काल में भी इस देश का किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं हुआ है, पर रासायनिक कीटनाशक दवाइयां वो सब पैसों में आ रही है, यूरिया डीएपी आदि खाद सब पैसों में आ रहा है, और इसके बाद बीज भी खरीदना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में किसान क्यों पीड़ित नहीं होगा, अवश्य पीड़ित होगा। इसलिए गोबर में लक्ष्मी का निवास है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात राष्ट्र की सर्वांगीण समृद्धि गाय के गोबर में छिपी हुई है, क्योंकि गाय के गोबर से ही धरती को पोषण प्राप्त होता है। यह सुन करके लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई और श्री रुवाच, दिष्ट्या प्रसादो युष्माभिः कृतो मेनुग्रहात्मकः एवं भवतु भद्रं वः पूजितास्मि सुखप्रदा। गायों ने कहा कि हे भगवती लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवती गोमाताओ, आपने बड़ी कृपा हमारे ऊपर की जो अपने गोबर में हमें स्थान दिया,
हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं और हम आपके गोबर को छोड़कर कभी कहीं जाएंगी नहीं, हम सदा सर्वदा गोबर में निवास करेंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही। अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही। सब देवन को बास हमें भी ठोर दिखाओ। सब देवन को बास हमें भी ठोर दिखाओ। मेरी महिमा समझी देव दुर्लभ यश पा। मेरी महिमा समझी देव दुर्लभ यश पा। गो माता ने कही देवी निज महिमा राखो। गो माता ने कही देवी निज महिमा राखो। हम मुनि सम निरपेक्ष शांत हरि ही मेरा। हम मुनि सम निरपेक्ष शांत हरि ही मेरा। करो कृतार्थ मोय हो गौ माता गो मैं कही। करो कृतार्थ मोय को गौ माता गो मैं कही। अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी महिमा जान के लक्ष्मी को मैं में रही। हाँ लक्ष्मी को मैं में रही। हाँ लक्ष्मी को मैं रही। हम अपनी बात को पुनः दोहरावें, गोरक्षा का सरल साधन है इस देश की कृषि व्यवस्था गो आधारित हो। दूसरा गोरक्षा का सरल साधन है इस देश की चिकित्सा व्यवस्था गो आधारित हो। और तीसरा गोरक्षा का सरलतम साधन है कि इस देश की शिक्षा भी गो आधारित हो। प्राथमिक पाठशाला से लेकर स्नातक तक शिक्षा में कहीं न कहीं गाय का गो तत्व का विज्ञान रहना ही चाहिए पाठ्यक्रम में। आज समस्या ये है पाठ्यक्रम में गाय न होने के कारण गाय का परिचय ही लोगों को नहीं होता। पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं पाते कि देसी गाय और जर्सी में अंतर क्या है, समझ नहीं पाते। हमारे गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री श्रीमान कीर्त सिंह जी वाघेला आए हैं, आप सब प्रसाद भी लेंगे और अपना उद्बोधन भी देंगे। विठल जी कथा यहीं संपन्न हो रही है और अभी आप सब लोग बैठे रहेंगे और प्रसाद भी लेंगे। जय जय श्री राधे। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूजे ये त्यंग्री रेणुवि। गाय निरपेक्ष है, गाय मननशील मुनि है, गाय शांत है, गाय निर्वैर है, गाय समदर्शी है। सारे लक्षण गायों में संतों के हैं।
इसलिए भगवान गायों के पीछे पीछे चलते हैं कि गो चरणरज हमारे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा का विराम करते हैं। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। आ भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, आ भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री गौ माता की जय। हम लोगों के मध्य गुजरात सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री कीर्ति सिंह जी वाघेला पधारे, उनसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और पूज्य महाराज जी के करकमलों से आशीर्वाद प्राप्त करें और पधारे हुए समस्त गो भक्तों को उद्बोधन स्वरूप में आप श्रीमान श्री कीर्ति सिंह जी वाघेला, जिनका नाम लिया जाएगा वे ही ऊपर आएंगे, उनके अतिरिक्त कोई मंच पर नहीं चढ़ेगा। थोड़ी ही देर में श्री राधा वल्लभ लाल मंदिर वृंदावन के टिकट अधिकारी पूज्य श्री मोहित मराल जी गोस्वामी जी महाराज, वे भी हम लोगों के बीच में समुपस्थित होंगे। श्रीमान श्री कीर्ति सिंह जी वाघेला से निवेदन है कि आप पधारें और उद्बोधन प्रदान करें। ગુજરાતની પવિત્ર ધરતી સાબરમતી નદીના કિનારે આજને આ ગૌ કથામાં વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન પરમ વંદનીય રાજેન્દ્રદાસજી મહારાજ, સમગ્ર ગુજરાત રાજસ્થાન ને પૂરા દેશમાંથી વધારેલા સૌ સન્માનીય વંદનીય સંતશ્રીઓ મહંતશ્રીઓ, સભા મંડપમાં બિરાજમાન સૌ ધર્મપ્રેમી ગૌભક્ત સજ્જનો, સન્નારીઓ તેમજ પત્રકાર મિત્રો, સૌ પ્રથમ તો ગુજરાતની ધરતી પર આજની આ કથાનું આયોજન કરવા બદલ પરમ વંદનીય ગૌરુષિ દત્ત શરણાનંદજીના ચરણોમાં નતમસ્તક વંદન કરી આયોજક મિત્રો, દાતાશ્રીઓ અને વ્યવસ્થાપકોને
હું અભિનંદન પાઠવું છું કે આપના માધ્યમ થકી આ વિસ્તારના લોકોમાં ગૌ માતા વિશે વિશેષ જાણવા મળશે. આપણા ધર્મ સંસ્કૃતિમાં ગાય માતાનું શું મહત્વ છે એ આપણે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ધરાવતા હોય, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ હોય તો એને આપણે સમજી શકીએ. પણ સિદ્ધુને જો સરળ આપણે જો સમજવું હોય કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જો ગાય માતા ની સેવા કરતા હોય, ગાયો ચારવા જતા હોય, તો ચૌદ ભુવનનો નાથ ગાય માતાની જો સેવા કરતા હોય તો એ ગાય માતાનું કેટલું મહત્વ હોય એના પરથી આપણે સામાન્ય માણસે શીખવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ. આ ગાય માતાઓને બચાવવા માટે અનેક ક્ષત્રિય વીરોએ પોતાના બલિદાનો આપેલા. એ વીર વચ્છરાજ સોલંકી હોય કે અન્ય વીરો કે જેમને ગાયો માટે પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપી, પોતાનું બલિદાન આપેલું, એનું સાત્વ તત્વ મિત્રો આજે એટલું છે કે સાક્ષાત ઈશ્વર સ્વરૂપે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ આશા અપેક્ષા રાખે તો એની જે પણ કંઈ મનની અપેક્ષા હોય, આકાંક્ષાઓ હોય એ પૂરી થાય છે. એના પાછળનું જો કોઈ રહસ્ય હોય તો હું માનું છું કે ગાય માતા. એટલે ગાય માતા શાસ્ત્રોમાં ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ મહત્વ તો અનેક ગણું છે, પણ સાથે સાથે આ સૃષ્ટિને, આ સૃષ્ટિ ચક્રને આગળ વધારવા માટે માનવ જાતિ અને અન્ય જાતિઓના સ્વર્ધન માટે, એના ભરણ પોષણ માટે પરમાત્માએ મનુષ્ય જાતિને ગાય આપેલી છે. અને ગાય આધારિત અર્થતંત્ર આપણું હિન્દુસ્તાનની ઓળખ હતી, અને જેના કારણે એક બે પાંચ નહીં, હજારો વર્ષ, લાખો વર્ષ સુધી હિન્દુસ્તાન સુખી ને સમૃદ્ધ રહ્યું, વિશ્વગુરુ બની રહ્યું. એની પાછળનું કારણ ધર્મ સાથે આર્થિક રીતે પણ ગાય એ માનવ જાતના કલ્યાણ માટે હતી, જેના કારણે આપણો દેશ સુખી ને સમૃદ્ધ થયો. અને જે સમયથી દેશની અંદર ગાયનું મહત્વ ઘટ્યું એ દિવસથી આપણા દેશના, આપણા સમાજના લોકોના આર્થિક ઉપાર્જનોની અંદર એની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ, એનો વધારો થવો જોઈએ. એની જગ્યાએ આર્થિક રીતે વ્યક્તિ, સમાજ, વિસ્તાર તૂટવા માંડ્યા અને જેના કારણે આર્થિક સંકટો પણ ઊભા થયા. તો મિત્રો, પરમ વંદનીય દત્ત શરણાનંદજી મહારાજ પથમેડા ગાયો માટે ગાયોની સેવા કરવાનું જેમને અભિયાન શરૂ કર્યું છે એ અભિયાનને તમે બધા આગળ વધારી રહ્યા છો, તો તમને પણ અભિનંદન આપું છું. હું જે વિસ્તારમાંથી આવું છું એ બનાસકાંઠામાં પણ અમારા અનેક ગૌ ભક્તો હજારો ગાયોની ગૌશાળાઓ બનાવી અને ગૌ સેવાનું કામ કરી રહ્યા છે, એમને પણ હું અભિનંદન આપું છું.
मित्रों धार्मिक कार्यक्रम से सता पण राजकीय बात न करवी जोईए, पण अमारी भारतीय जनता पार्टी ए गौ सेवा में माने छे, धर्म में माने छे, अने धर्म संस्कृति ना जतन माटे देशना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब हिंदुस्तान ने गौरव आपे एवं काम कर रहा छे। अने आ काम ने आगळ वधारवा माटे अमारी राज्य सरकार ना माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहेब अने अमारी सरकार द्वारा आप सौने लागणी ने मांगणी ने ध्यान में राखी गौ सेवा माटे सरकार तत्पर हती, आगामी समय में पण रहेशे। अने आ बजेट नी अंदर गौ पोषण योजना अंतर्गत 500 करोड़ थी पण वधारे रकम गौ सेवा माटे फाळवामां आवी छे। आगामी दिवसों नी अंदर संत श्रीओ सरकार समाज आप सौ आपणे साथे मळी आ अभियान ने चलावीए तो हूँ मानु छू के गौ माता ने अपना सौना पर आशीर्वाद रहेशे ने आप सौ आपणे सौ सुखी ने समृद्ध बनीशुं। तो ये दिशा में आपणे सौ साथे मळीने काम करिए। अस्तु भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरीब मुजरा। गौ माता की जय। श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा के सत प्रयासों से गोसेवा महाभियान का जो स्वरूप है वो गुजरात में भी इस साबरमती नदी के तट पर आप सब लोग देख ही रहे हैं। पूज्य महाराज जी की जो परिकल्पना है कि संपूर्ण भारतवर्ष में पूज्य गौ माता का संरक्षण हो, संपोषण हो, तो राजस्थान तो कर ही रहा है पिछले 8-10 वर्षों से। उसी राह पर गुजरात ने भी इस बार गो सेवा करने का संकल्प लिया, उनका खूब खूब आभार है। हम लोगों के बीच में श्री राधा वल्लभ लाल श्रीधाम वृंदावन वहाँ के टिकेत अधिकारी पूज्य श्री मोहित मराल गोस्वामी जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। उनके चरणों में प्रार्थना है कि वे अपनी मंगलमयी वाणी में समस्त गो भक्तों को कृपा प्रसाद प्रदान करें। जय गो माता। जय गौ माता। ये ब्रज की देन है गौ संवर्धन। कृष्ण जी ने हमें इस प्रकृति से जोड़ने के लिए गौ से प्रेम करने सिखायो। गौ को जो माता को दर्जा दियो गयो है वो जो वात्सल्य माँ में है वो ही गौ में है। आप करेंगे तो वो उतना उससे ज्यादा देगी आपको। इसलिए गौ संवर्धन, गौ की रक्षा, गौ की सेवा बहुत आवश्यक है। सब बड़े बड़े संत विराजमान हैं, सब लग रहे हैं। हम तो राधा वल्लभ लाल से यही प्रार्थना करें कि ब्रजवासीन में भी थोड़ा और गुण आए जा बात के लिए, जो ब्रज की चीज और ब्रज में ना होके बाहर सब जगह हो रही है, ब्रज में कम हो रही है वो चीज। तो हम तो राधा वल्लभ लाल से यही प्रार्थना करें, सब अपनों अपनों आशीर्वाद दें कि ब्रजवासीन में और भक्ति उमड़े जाके प्रति। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, श्री राधा वल्लभ संप्रदायाचार्य तिलकायत श्री पूज्य गोस्वामी जी ने सूत्रात्मक रूप में ही सब कुछ कह दिया कि गो उपासना, गो रक्षण, गो संवर्धन ये ब्रज की वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण ने गो रक्षण, गो संवर्धन की प्रेरणा, गो सेवा की प्रेरणा अपने चरित्र के माध्यम से देने के लिए ही ब्रज में अवतार ग्रहण किया और वहाँ की धरती का ही संदेश पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के माध्यम से हमारे राधा वल्लभ लाल जी संपूर्ण भारतवर्ष में उसकी क्रांति कर रहे हैं। और ब्रजवासी तो स्वाभाविक ही गोभक्त हैं,
पर अब कुछ संस्कार थोड़े थोड़े आधुनिकता में शिथिल पड़ रहे हैं, उनके लिए पूज्य गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान राधा वल्लभ लाल जी कृपा करें, प्रत्येक ब्रजवासी के हृदय में गोभक्ति की प्रतिष्ठा हो और 84 कोस ब्रज में कोई ऐसो ब्रजवासी न रह जाए जाके घर में देसी गैया न होए, क्योंकि गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ बिसरायो, गायन के हेतु गिर कर ले उठावे, आगे गाय पाछ गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसिगोई भावे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महाप्रभु श्री हितरवंश चंद्र जी के वंशज, उस परंपरा के पूज्य आचार्य चरण की उपस्थिति से हम लोग यही मान रहे हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल जी का अनुग्रह, श्री महाप्रभु जी का अनुग्रह आपके माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम व्यासपीठ से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। मैं निवेदन करूंगा हम लोगों के बीच में श्री विकास जी राजपुरोहित आरएस अधिकारी जयपुर, वे शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्टतम अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। आप पधारें और पूज्य महाराज जी के करकमलों से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरी यदि आवाज सुनी हो विकास जी ने तो आप पधारें। हम सब लोगों से निवेदन है कि इस मंडप के ठीक सम्मुख धर्म मंडप का मंगलमय दर्शन हम सब लोगों को हो रहा है। सभी लोग धर्म मंडप का मंगलमय दर्शन करके फिर प्रस्थान करें। आज सायंकालीन जो सत्र है वह नहीं होगा, आज जो प्रतिदिन शाम को रखा था वह सायंकालीन सत्र यहाँ पर नहीं होगा। मैं निवेदन करूँगा आरती के लिए श्री अनंतवाल जी, प्रताप जी जैतपुरा, आनंद जी अग्रवाल, श्री सुभाष जी जोड़ीवाल, रमाकांत जी बेरीवाल मंच पर पधारें और आरती संपादित करें। जय गो माता जय गोपाल। सबकी भक्त माल आरती
एकता धार भूमि गो माता पंच काव्य अरु भाग्य प्रदाता स्वार्थ के बोधि स्वार्थ सुख दी ओ भक्त माल आरती हरि हो की गो इष्ट सुहाई गाय भक्ति हरि के मन भाई वही भक्ति प्रभु हमको दीजे गो भक्त माल आरती गाय सुखी तो राष्ट्र बचेगा सुख समृद्धि सौभाग्य जगेगा वंदे गो मात सबकी जय गो भक्त माल आरती सब मिल गो सेवा गो भक्त वत्सल प्रभु देव दया जय गो माता जय गो भक्त वत्सल प्रभु दीन दया भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गो जय गो जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देव्याभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्।